Hello children, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I'm Omi Sandra. I'm teaching you systematic English grammar class second, and the chapter name is one and more than one, yani singular and plural. Look at these naming words. Bachcho hame samajhna hai ki aakhir singular aur plural kya hota hai. Singular mane single, single means ek, plural mane ek se zyada. इट मीन्स वन सिंगुलर, मोर देन वन प्लूरल. तो सिंगुलर में कोई कोई वर्ड किस तरह लिखा जाता है और प्लूरल में उसको किस तरीके से लिखते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. वी एड एस टू नेमिंग वर्ड्स टू शो दैट देर आर मोर देन वन पर्सन और थिंग. हम नेमिंग वर्ड के बाद में एस लगा देते हैं ये शो करने के लिए कि जो ये पर्सन और थिंग है ये मोर देन वन है, यानी एक से ज़्यादा है, प्लूरल है. जैसे डॉक्टर सिंगुलर है तो वन डॉक्टर, और ज़्यादा है तो एस लगा देंगे डॉक्टर्स. चेयर, वन चेयर, थ्री चेयर्स, वन फ्रॉग, थ्री फ्रॉग्स, वन रेजर, थ्री फाइव रेजर्स, एस लगा देते हैं. वन पेन, सेवन पेन्स, वन डेस्क, टेन डेस्क. अब बात करते हैं ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जहाँ पे ई एस लगता है बाद में, वो कौन से वर्ड होते हैं. वैन देयर इज एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ एट द एंड ऑफ द वर्ड ऑफ ए वर्ड. अगर शब्द के आखिर में किसी, यानी नेमिंग वर्ड के बाद में लास्ट में एस आ रहा हो, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आ रहा हो, तो तब हम ई एस लगाते हैं बहुवचन बनाते समय, यानी प्लूरल बनाते समय. ओके, जैसे यहाँ पे हैं वन बेंच, बाद में सी एच आ रहा है तो ई एस लगा देंगे. टू बेंचेस, वन ब्रश, एस एच आ रहा है बाद में, ब्रश के बाद में तो ब्रशेज. वन ग्लास, वन ग्लासेस, वन फॉक्स, एट फॉक्सेस, फाइव ग्लासेस, एट फॉक्सेस. वन टमाटो, बाद में ओ आ रहा है तो ई एस लगा देंगे. टू टेन टमाटोज. वन मॉस्किटो, ट्वेल्व मॉस्किटोज. तो दोबारा आप जान लें कि अगर बाद में एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आ रहा है किसी नेमिंग वर्ड के बाद में, तो वह उसे प्लूरल बनाते समय हम क्या करते हैं, ई एस लगा देते हैं उस नेमिंग वर्ड के बाद में. कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बच्चों जिनके बाद में लास्ट में क्या आता है, एफ या एफ एफ ई. अगर शब्द आते हैं तो F और F E को रिप्लेस कर देते हैं किससे, I E S, जैसे नाइफ, सॉरी V E S, ओके V E S लगा देंगे. जैसे वन नाइफ तो प्लूरल क्या हो गया, थ्री नाइफ्स. F को हमने F E को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह क्या कर दिया, V E S लगा दिया. वन लीफ, फोर लीव्स. वन वुल्फ, फाइव वुल्फ्स. वन वाइफ, टू वाइफ्स. वन थीव, थ्री थीव्स. यानी एफ या एफ ई को चेंज करके प्लूरल बनाते समय बाद में वी ई एस लगा देते हैं. और अगर किसी वर्ड के, नेमिंग वर्ड के बाद में वाई आ रहा है तो उसको हटा करके आई ई एस लगा देते हैं. जैसे वन बटरफ्लाई, तो उसका बटरफ्लाईज कर दिया, वाई को हटा करके आई ई एस लगा दिया है. फोर बटरफ्लाईज. वन लेडी, टू लेडीज. वन कॉपी, थ्री कॉपीज. वन सिटी, फोर सिटीज. वन बेबी, फाइव बेबीज. ओके बच्चों, यानी हमने देखा कि अगर नेमिंग वर्ड के बाद में वाई हो, वाई आ रहा है तो उसको हटा करके प्लूरल बनाते समय आई ई एस लगा देते हैं, और अगर बाद में किसी नेमिंग वर्ड के बाद में एफ या एफ ई हो तो उसे हटा करके हम लास्ट में वी ई एस लगा देते हैं और एफ या एफ ई को ख़त्म कर देते हैं. इसी तरीके से बाद में नेमिंग वर्ड के बाद में एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ आ रहा हो तो उसे हटा करके हम ई एस लगा देते हैं, और बाकी नॉर्मली हम एस लगाते हैं प्लूरल बनाते समय. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लर्न, रीड एंड लर्न दिस वीडियो, दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन. थैंक यू अगेन.